अज्ञेय द्वारा लिखित कलगी बाजरी की कविता की समीक्षा। अज्ञेय जी ने हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी कविताओं में नवीन दृष्टि का आगाज किया है। वे प्रयोगवाद के जन्मदाता भी माने जाते हैं। वे एक युगांतकारी कवि हैं। एक ओर उन्होंने परंपरागत उपमानों का विरोध किया, वहीं दूसरी ओर उसके स्थान पर नवीन उपमानों का आग्रह भी प्रस्तुत किया। कलगी बाजरे की कविता में अज्ञेय को अपनी प्रेमिका हरी बिछली घास में डोलती छरहरी सी एक कलगी बाजरे की लगती है। इस चित्रण ने समकालीन हिंदी साहित्य को झकझोर कर रख दिया था। क्यों, इसका क्या कारण रहा? हुआ यह कि कवि ने प्रेमिका को कमल, जूही, चंद्रमा, चमेली की संज्ञा से अभिहित नहीं किया। वे स्वयं कहते हैं कि मैं अपनी प्रेयसी को अरुणिम सांझ के नव की तारिका, शरद के भोर की निहार अर्थात ओस से नहाई हुई कुमुदनी, या चंपी की टटकी अर्थात ताजी कली नहीं कहता। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नव की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई टटकी कली चंपे की। कवि कहते हैं कि ऐसा कहने के पीछे उनकी बुरी भावना नहीं है। ऐसा नहीं कि उनके प्यार में गहराई नहीं है। ऐसा नहीं कि हृदय उथला है। तारिका का प्रकाश, अलौकिकता, कमलिनी की निर्मलता, जूही, चंपा आदि की मादकता कम हो चुकी है। ये पुराने हो गए हैं। ये उपमान बासी, जूठे और मैले हो गए हैं। नवीन उपमान का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि इनमें ताजगी है, स्वच्छता है, पवित्रता है। अपनी प्रेमिका के लिए बासी उपमान अच्छे नहीं लगते। यहाँ कवि की उपमानों के प्रयोग में नवीनता का एहसास होता है। उन्होंने बड़ी बारीकी से उपमानों का सूक्ष्म चयन किया है। वे इतना भी कहते हैं कि देवता भी इन प्रतीकों से कूच कर गए हैं। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सूना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए हैं। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। वे कहते हैं कि सौंदर्य की अभिव्यक्ति करने वाले पुराने उपमानों से देवता भी कूच कर गए हैं। उन उपमानों की दिव्यता एवं भव्यता समाप्त हो चुकी है। जैसे वर्तन के घिस जाने पर उसकी चमक चली जाती है। प्रेमिका के प्रेम में मोहित कवि हृदय दीवानगी की हदों को पार कर चुका है। वह कहता है कि प्रेम की इस अलौकिकता से यदि मैं कहूँ तुम बिछली घास हो, लहलहाती हवा में कलगी बाजरे की, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। बिछली घास अर्थात फिसलन भरी घास, इसका तात्पर्य है कि किसी की नज़र पड़ते ही वह फिसल जाता है, अपना शुद्ध बुद्ध खो देता है। इसमें नारी के अनोखे सौंदर्य, कोमल भावना एवं ताजगी का एहसास है, एक व्यापकता एवं सूक्ष्मता है। कवि कहते हैं कि शहर में लोग मालंच अर्थात गृहवाटिका, फुलवारी में जूही की कली का जो फूल उगाते हैं उसी में मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उन्हें सृष्टि के विस्तार का बोध नहीं, किंतु हरी बिछली घास या कहें शरद ऋतु की संध्या बेला में आकाश की शून्य पीठिका पर लहलहाते बाजरे की कलगी में विद्यमान है। आज हम सहरातियों को पालतू मालंच पर सौरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का ऐश्वर्य को, औदार्य को, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है, या शरद की सांझ के सोने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की,
कवि कहते हैं कि बाजरे की कलगी मकई से मुलायम, कोमल, पतली और छरहरी होती है। यह नारी के देह का प्रतीक है, फिर भी विस्तृत नभ की पीठिका पर लहराती है तो उसका अलहड़पन और भी मादक हो जाता है। यह तुलना कविता के भावों को और भी सूक्ष्म बना देता है। अज्ञेय जी का कहना है कि जब बाजरे की कली को देखता है तो उसके सौंदर्य पर सम्मोहित हो जाता है, वह समर्पण की भावना से ओतप्रोत हो जाता है, वह उस पर समर्पित हो जाता है। यहाँ यह अर्थ व्यंजित होती है कि उसके समर्पण की पराकाष्ठा है। इस कविता में अज्ञेय जी ने अपनी प्रेमिका की तुलना चिकनी हरी घास एवं बाजरे की कलगी से करते हैं। उनके लिए यह उपमान अपनी प्रेमिका के सौंदर्य के निकट है। वह शहर के गुलशन में खिले जूही की कली से कहीं सुंदर है। इस सौंदर्य को देखकर वे समग्र सृष्टि को अपने निकट महसूसने लगते हैं और समर्पण की भावना से भर उठते हैं। इन्हीं भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति है कलगी बाजरे की।